हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे लेटेस्ट फैशन ट्रेंड की। 2024 में कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, क्या क्या फैशन में चल रहा है, क्या क्या आजकल ट्रेंडी ऑप्शन देखे जा रहे हैं, उन सब की बात करेंगे। ऐसे मैंने और भी वीडियोज़ बना रखे हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। 2024 के और भी मैंने फैशन ट्रेंड्स के वीडियो बना रखे हैं, तो मे भी आपको लग रहा हो मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी तो वो मेरे पहले के वीडियो में कवर हो चुकी होंगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, इंट्रो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला ट्रेंड है जो मुझे लास्ट वीडियो में ही इंक्लूड करना था बट मुझसे मिस हो गया, डेटा की जो ब्लाउज ज्वेलरी बोल सकते हैं या पोंचो बोल सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। आपने अभी बहुत सारी सेलिब्रिटीज को देखा होगा साड़ी के साथ स्टाइल करती हैं, साड़ी के साथ बहुत सुंदर लगता है, बहुत सिंपल सिंपल साड़ियों के साथ भी काफी अमेजिंग दिखता है। तो इस तरह की ब्लाउज ज्वेलरी या पोंचो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो आप इस तरह के ब्लाउज ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकती हैं और अपनी बेसिक सी साड़ी के साथ पहन सकती हैं। आपने इसे इंटरनेट पर जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये है पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी जो इस समय ट्रेंड में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और अच्छा भी लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आपको एडी ज्वेलरीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड दिखेगा, अमेरिकन डायमंड के जो नेकलेसेस आते हैं। अच्छा, ये बहुत स्लीक लुक देते हैं, बहुत स्टाइलिश लुक देते हैं, तो इस समय इस तरह की ज्वेलरीज बहुत ट्रेंड कर रही हैं। कुछ अपने आउटफिट के लिए ज्वेलरीज वगैरह ढूंढ रही हैं या शादी फंक्शन के लिए ज्वेलरीज ले रही हैं तो आप एडी में जा सकती हैं। इस साल बहुत देखे जा रहे हैं और पूरे साल देखे जाएंगे। आपने सेलिब्रिटीज वगैरह को या सीरियल वगैरह में देखा होगा तो इस साल एडी के नेकलेसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू अदर नेकलेसेस। तो आप एडी के ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकती है, काफी स्लीक लुक देता है, काफी स्टाइलिश लुक देता है। इस समय साड़ी आ रही हैं सिल्वर वर्क वाली, सूट आ रहे हैं सिल्वर वर्क वाले, लहंगाज आ रहे हैं, तो उनके साथ एडी ज्वेलरी वैसे भी ज्यादा अच्छी लगेगी। नंबर थ्री की हम बात करेंगे। नंबर थ्री में इस तरह के चिन्यान फैब्रिक के सूट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, स्पेशली प्रिंटेड में। दूर से देखने में जॉर्जेट या सिफॉन की फील देते हैं बट जॉर्जेट और सिफॉन नहीं होता है, चिनॉन फैब्रिक होता है जिसमें हल्की सी साइनिंग होती है, हल्का थोड़ा सा डिफरेंट होता है ओवरऑल जॉर्जेट सिफॉन से। तो इस फैब्रिक के आपको सूट मार्केट में बहुत दिखेंगे, स्पेशली प्रिंटेड सूट नायरा आलिया स्टाइल में, नायरा स्टाइल में, अनारकलीज में बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो आप इस तरह के सूट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद लेने का सोच रही हूँ बट अच्छा मार्केट में अभी मुझे कहीं मिला नहीं। मैं सोच रही हूँ कि इसको सामने से देख के लिया जाए क्योंकि चिनान फैब्रिक मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया है, तो इसलिए मैं तो ऑनलाइन लेने से बच रही हूँ। तो पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ट्रेंडी ऑप्शन है ये। फैब्रिक के सूट इस साल आपको बहुत देखने को मिलेंगे, इवन आपने देखा होगा या आपने बाय भी किया होगा। तो अगर आपने बाय किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं खुद भी लेने का सोच रही हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ऐसा क्या है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी? हैवी हैवी क्लचेस और हैवी हैवी पोटलीज, जो एकदम हैवी वर्क वाले होते हैं, स्पेशली पर्ल वर्क वाली, इस तरह की पोटलीज, इस तरह के जो क्लचेस हैं बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। पार्टीवियर आउटफिट के लिए बेस्ट हैं, तो आप इस तरह के हैवी क्लचेस वगैरह में इन्वेस्ट कर सकती हैं, हैवी पर्ल पोटली में इन्वेस्ट कर सकती हैं, बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। अगर आपने शादी वगैरह अटेंड की है तो किसी न किसी को आपने देखा भी होगा कैरी किए हुए, तो आप इस तरह के पर्स में, इस तरह के क्लचेस में, इस तरह के पोटलीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। ट्रेंड तो आते जाते रहते हैं बट अगर आप ट्रेंडी रहना चाहती हैं तो आप इस तरह के क्लचेस और पोटलीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं, काफी अच्छा लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हम बॉटम बियर की बात करेंगे, स्पेशली वेस्टर्न बॉटम बियर में इस साल भी आपको लूज फिट ही देखने को मिलेगा। एक दो साल से लूज फिट ही चल रहा है, तो लूज फिट की जीन्स पैंट, लूज फिट बॉटम ही देखने को मिलेंगे। इवन कार्गो वगैरह भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। लास्ट ईयर भी कार्गोस काफी ट्रेंड में थी, इस साल भी कार्गो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लूज फिट का ही ट्रेंड बॉटम में इस साल भी रहेगा। स्किनी स्लिम फिट ये सब टोटली आउट ऑफ फैशन है, तो अगर आप कुछ नए जीन्स में, नए बॉटम में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो आप लूज फिट की तरफ जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे जिसमें हम कलर की बात करेंगे। तो इस साल पीच कलर
फेज पीच कलर इस साल का कलर ऑफ द ईयर है, जिसको मैंने पहले भी बताया होगा। तो पीच रिलेटेड जितने शेड हैं, लाइट पिंक जितने शेड हैं, ये आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। डस्टी पिंक हो गया, पीच हो गया, पिंक लाइट पिंक हो गया, पाउडर पिंक हो गया, ये जितने भी शेड हैं, आप अगर पार्टी फंक्शन में जा रही हैं तो आपको इसके ऑप्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप लहंगा वगैरह, साड़ी, सूट, इन सब में को ये ऑप्शन बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाह रही हैं, ट्रेंडी कलर की तरफ जाना चाह रही हैं, तो आप इस कलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। काफी क्लासिक कलर है, और पहले ये सब कलर थोड़ा डे फंक्शन के अकॉर्डिंग चलते थे, बट अब नाइट फंक्शन में और हैवी हैवी जो आउटफिट है उनमें भी बहुत अच्छे से आते हैं। पहले ये कलर मीन्स हम लाइट कपड़े सोचते थे, बट आजकल 2-4 साल से जितने भी लाइट शेड हैं इनका ज्यादा ट्रेंड है, लाउड कलर थोड़े से कम देखे जा रहे हैं। तो ये था मेरा फ्रेंड्स आज का वीडियो, जिसमें हमने 5 से 6 फैशन ट्रेंड की बात की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा, जिसमें मैंने 5 ब्लाउज की बात की है जिसके साथ आप अपनी मोस्टली सारी साड़ियां पहन सकती हैं, तो उस वीडियो की लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप उसे भी जाके चेकआउट कर लेना, काफी यूजफुल वीडियो है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लोर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, सी यू।